दोस्तों बैकग्राउंड को इग्नोर कीजिए और मेरे बात पर ध्यान दीजिए। दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों को एक बहुत ही प्यारा सा डिजाइन जो है बनाकर दिखाने वाले हैं। बहुत ही ज्यादा जबरदस्त डिजाइन है, ये डिजाइन आप लोगों को काफी पसंद आएगा। तो चलिए आप लोगों का ज्यादा समय को हम वेस्ट नहीं करेंगे और जल्दी से जल्दी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। दोस्तों जो डिजाइन बनाने जा रहे हैं डिजाइन यही आप लोग देख सकते हो। हालांकि आप लोगों को इसका ड्राइंग पहले हम दे चुके हैं, लेकिन आज आप लोगों को इसको पूरा बना के आप लोगों को हम दिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ये आप चाहे तो इसको आप 10 इंची में बना सकते हो या उससे ज़्यादा भी बना सकते हो। तो आप लोग अपने अनुसार से इसको रख सकते हो। इसका मार्क चाहिए आप लोगों को तो इसका मार्क भी करके आप लोगों को हम बता देंगे, अगर जो आप लोग कमेंट करते हो तो। क्योंकि इसका मार्क थोड़ा सा मतलब हैवी है, आप लोग इसका मार्क करने में मतलब आप गड़बड़ कर दोगे, तो इसके लिए आप लोग बताइएगा तो इसका मार्क भी हम आप लोगों को बता देंगे। दोस्तों इसका जो पट्टी चौड़ी बना हुआ है इसको काट के थोड़ा पतला करेंगे यहाँ से, ठीक है, यहाँ से इसको पतला करेंगे और इधर से भी इसको पतला करेंगे। देख सकते हैं आप लोग, देख लीजिए यहाँ से बिल्कुल काट के पतला हो गया है। और जैसे इसको इधर से पतला किया, इधर से मोटाई करके आपको ऐसे मोड़ के इधर पतला कर देना है, मतलब सेम उसका उल्टा प्रोसेस होगा। आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा, आप लोगों को बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। देख सकते हो आप लोग, दोस्तों इसका कोई नापी नहीं है, इसको बैठाने के लिए आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये तो इसके ऊपर से कट गया, लेकिन जो इसके बाद से कटिंग करेंगे भाई, तो उससे थोड़ा सा नीचे करके कटिंग करेंगे। आप लोग पूरा देखते रहिए इस वीडियो को, वीडियो में आप लोग को पूरा समझ में आ जाएगा कि कहाँ से कटिंग किसको करना है। दोस्तों एक बात और याद रखिएगा आप लोग, यहाँ पर इसका ज्वाइंट मिलता है, यहाँ पर ज्वाइंट मिलता है, जो ये बनाएंगे यहाँ तक बनाएंगे, इस पर इसके आगे से यहाँ से ज्वाइंट मिलेगा। देखो इसको कटिंग हो रहा है, तो इसका कटिंग देख सकते हो आप लोग, मैं बोला ना थोड़ा सा आगे करके इसको कटिंग करना पड़ेगा उसके सूता से नीचा, क्योंकि यहाँ से सिर्फ कटेगा, ये आधा ही कटेगा, पूरा आपका नहीं कटेगा, सिर्फ आधा कटेगा। देख सकते हो बिल्कुल ये डबल एस हो गया, एक तो एस यहाँ से बन गया, दूसरा एस जो आपका यहाँ से बन गया। इसको डबल एस ही बनाओगे या कंप्लीट हो जाएगा। चलिए इसको कंप्लीट कर लेते हैं। अब दोस्तों इसके ऊपर डिजाइन बनाना है आपको, तो डिजाइन बनाने के लिए आप लोगों को इस पर पीओपी चढ़ा के और हाथों से कुछ इस तरीके से आप लोग करेंगे, ये डिजाइन खुद ब खुद आपका बन जाएगा। इसके ऊपर से जो इसके बीचों के बीच बनाना है आप लोगों को, ना इधर नीचे लगाना है ना ऊपर लगाना है, ठीक है, इसके सेंटर से ही आपको बनाना है। और साइड साइड से क्या करेंगे, पत्ती के साथ आप साइड से बिल्कुल साइड से इधर बराबर कर सकते हैं आप। चलिए इसको पहले बना लेते हैं, उसके बाद से आप लोगों को दिखाते हैं। अब देखिए दोस्तों पत्ती के साथ कैसे बराबर करना है, आप लोग देख सकते हो, बोला ना पत्ती आप लोग साइड में रख के, चाहे आपका फार्मा भी हो, फार्मा के साथ में साइड वाला फार्मा एक साइड से कटिंग कर देना है, एक साइड से आपको कटिंग नहीं करना है, उसके हिसाब से भी आप इसको बना सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड पड़ता है, फार्मा के साथ बनाते हो या ब्लेड के साथ, हम तो ब्लेड से ही बना देते हैं इसे, लेकिन आप लोग आपके मर्जी से अपने अनुसार से बना सकते हो। आप फार्मा से आसानी थोड़ा होता है, जल्दी बन जाता है। अब सेंटर का एक सर्कल है, सर्कल करके और सर्कल करने के बाद से आपको बीच बीच में कट लगा देना है। आप चाहे तो 6 लगा सकते हो, 4 लगा सकते हो, 8 लगा सकते हो कट, तो आप लोग पूरा वीडियो को देखिए, आप लोगों को पता चल जाएगा कि इसमें कितना कट लगाया जा रहा है। इसके ऊपर से आपको सूता पटकना है। अब सूता पटकने के लिए आप लोगों को तो बताए हैं कि अगर जो 6 गुलाई वाला आपको डिजाइन बनाना है तो उसके लिए सूता कैसे निकाला जाता है, आप देख सकते हो भाई भी बना रहे हैं उसी टाइप से बना रहे हैं। आप यहाँ से और यहाँ का आप लोग दूरी नाप लेके और आप चाहे तो उसी से निशान आप लगा सकते हो। दूरी नापने के बाद देखो 6 सूता लगाएंगे, एक तो सेंटर से लगा देंगे और बाकी साइडों साइडों से निशान आप आसानी के साथ लगा सकते हो। खुद ब खुद अपना अकेले ही सूता पटक रहे हैं भाई, तो 6 सूता हो गया कंप्लीट। अब इसके ऊपर से आप चपटी रख के या लकड़ी रख के आपको इसमें कील के साथ आपको कट कर देना है।
देखिए दोस्तों डिजाइन जो बन के कम्प्लीट हो गया है, ब्रश पानी के साथ इसको अच्छा से फिनिशिंग कर देना है, पूरा कम्प्लीट हो गया डिजाइन है। अब बताइए दोस्तों आप लोगों को कि कैसा लगा ये डिजाइन, और चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना। चलिए दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।